नमस्ते, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। मैं हूं सोनाली। ट्विटर पर कुछ लोग हैशटैग बैन नेटफ्लिक्स और बैन डेली थंथी न्यूज हैशटैग के साथ ट्वीट कर रहे हैं। लोगों का कहना है नेटफ्लिक्स ने अपनी फिल्म नवरस के विज्ञापन में कुरान की एक आयत प्रकाशित की है। यह कुरान का अपमान है। यह विज्ञापन डेली थंथी न्यूज में छपा है। लोग नेटफ्लिक्स और अखबार के खिलाफ कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। कुछ ट्वीट देखिए, फिर आगे की बातें बताते हैं। एक यूजर ने अखबार की कटिंग शेयर करते हुए लिखा कि फिल्म के पोस्टर में कुरान को क्यों प्रिंट किया। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि नेटफ्लिक्स ने अपनी फिल्म नवरस के विज्ञापन में कुरान की एक आयत प्रकाशित की है। यह कुरान का अपमान है। हम सख्त से सख्त कार्यवाही की मांग करते हैं। एक यूजर ने लिखा कि आज कुरान पाक का अपमान किया गया है। हमारे आधे से ज्यादा मुस्लिम भाई बहन टिकटॉक और इंस्टाग्राम के अभिनेताओं की पूजा कर रहे हैं। जागो मुसलमानों, नहीं तो तुम्हारा नाम नहीं बचेगा। वहीं एक यूजर ने लिखा कि उन्होंने पोस्टर पर सुरह इखलास का इस्तेमाल किया है जो स्वीकार करने लायक नहीं है। एक यूजर ने लिखा कि लोगों के पास फिल्म को प्रमोट करने के कई तरीके हैं, फिर वे ऐसे रास्ते क्यों चुनते हैं जिससे हमारी धार्मिक भावनाएं हर्ट हो। एक यूजर ने लिखा कि हमारी होली बुक का फिर से अपमान करने का प्रयास ना करें। एक यूजर ने लिखा कि एक बात याद रखें, कुरान और इस्लाम लोगों के मनोरंजन का सोर्स नहीं है। यह हमारी गरिमा और धार्मिक मान्यताओं से संबंधित है। ये सब करके कृपया हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। अब क्या है मामला? नवरस वेब सीरीज 6 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई। ये सीरीज मणिरत्नम ने जयेंद्र पंचपकेसन के साथ मिलकर बनाई। सीरीज की थीम है नवरस। काव्य रचना के 9 रस हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, विभत्स, अद्भुत, भय और शांति, उन्हीं पर आधारित सीरीज है। इसमें कुल 9 एपिसोड्स हैं। इन एपिसोड्स को गौतम वासुदेव मेनन, बिजॉय नाम्बियार, कार्तिक सुब्बाराज, हलिथा शमीम, पोनराम, कार्तिक नरेन, रतिंद्रन आर प्रसाद, अरविंद स्वामी और दिवंगत निर्देशक केवी आनंद द्वारा निर्देशित किया गया है। इन्हीं में से एक एपिसोड है इनमें। ऐसा शब्द जिसका अपना कोई अर्थ नहीं है। इनमें का मतलब होता है रहित। खुद कहानी के डायरेक्टर रतिंद्रन प्रसाद ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था। साथ ही बताया कि भय रस पर बेस्ड उनकी कहानी किसी टिपिकल हॉरर या थ्रिलर फिल्म की कहानी से कोसों दूर है। उनकी माने तो इनमें एक शेक्सपियर किस्म की ट्रेजेडी है। कहानी के लीड में है सिद्धार्थ और पार्वती। पार्वती के किरदार वहीदा को सेंटर स्टेज बनाकर रची गई कहानी में उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है, वो भी सिर्फ एक ही दिन में। अब तक जो कुछ समझती है, अपना मानती थी, उन पर सब पर सवाल उठाने को मजबूर कर देती है। इनमें के ही पोस्टर को लेकर कुछ लोग ट्विटर पर विरोध कर रहे हैं। विज्ञापन के लिए अखबार में इस्तेमाल किए गए इस पोस्टर को हटाने और नेटफ्लिक्स को बैन करने की मांगें चल रही हैं। क्यों? क्योंकि पोस्टर पर कुरान की तस्वीर छपी हुई है। इसके अलावा कुरान की एक आयत भी लिखी हुई है, सुरह इखलास। इस एक बात पर कुछ लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो गई हैं और वो बैन की डिमांड कर रहे हैं। अब इस डिमांड को नेटफ्लिक्स कितना भाव देता है, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। फिलहाल तो सीरीज स्ट्रीम हो रही है। ये खबर आपके लिए लिखी हमारे साथी डेविड ने। मेरा नाम सोनाली है, देखते रहें दी ललन टॉप। शुक्रिया।